दोस्तों मिल गया है हार्दिक पांड्या का विकल्प, तो कौन सा वह खिलाड़ी है जो कि हार्दिक पांड्या का विकल्प माना जा रहा है बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं हार्दिक पांड्या और मुंबई के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम और मुंबई के विश्व के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हार्दिक पांड्या एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल दोस्तों मुंबई इंडियंस ने इस साल अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया। दरअसल दोस्तों इस बार आईपीएल की नीलामी से पहले चार चार खिलाड़ियों को या तीन तीन खिलाड़ियों को रिटेन करना था, जिसमें मुंबई ने अपने जिन खिलाड़ियों को रिटेन किया उसमें हार्दिक पांड्या का नाम नहीं था। इसे देखने के बाद हार्दिक पांड्या के प्रशंसक काफी ज्यादा चौंक गए थे, क्योंकि हार्दिक पांड्या ही वो खिलाड़ी हैं जो कि मुंबई के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। ऐसे में उनको पिक ना करना यह मुंबई के लिए एक बहुत बड़ा घटना थी, लेकिन मुंबई इंडियंस ने उन्हें इसलिए नहीं पिक किया क्योंकि उनका हालिया फॉर्म काफी ज्यादा खराब रहा। आईपीएल और इंडिया के लिए उनके लगातार फॉर्म में गिरावट के कारण उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा है। पर दोस्तों अब जो फैंस मुंबई के फैंस यह मांग कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के रूप में किसे तवज्जो देंगे, रोहित शर्मा, उसको लेकर रोहित शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया है। किसको वो खिलाना चाह रहे हैं उन्होंने साफ कर दिया है। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा ने बताया है कि वो मुंबई इंडियंस में अब एक बार फिर से यहाँ पर बेन स्टोक्स को टीम में शामिल करना चाहते हैं। यह दोस्तों बेन स्टोक्स वो खिलाड़ी हैं जो कि लगातार हार्दिक पांड्या के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। अगर चार पांच ऑलराउंडर्स की लिस्ट निकाली जाए तो हार्दिक पांड्या बेन स्टोक्स का नाम जरूर उसमें होगा। तो हार्दिक पांड्या का अगर कोई प्योर रिप्लेसमेंट हो सकता है तो वो हो सकते हैं बेन स्टोक्स। एक इसका एक कारण और भी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे ही दिन बीतते जा रहे हैं पोलार्ड जिनको रिटेन किया है मुंबई ने, उनकी एज काफी ज्यादा होती जा रही है। ऐसे में उनको भी एक ना एक दिन संन्यास लेना ही है। पर दोस्तों अगर ऐसा होता है तो बेन स्टोक्स को अगर टीम में शामिल करेगी मुंबई की टीम तो पोलार्ड का भी रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। आपके हिसाब से क्या मुंबई ऐसा कर पाएगी, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।